रिवॉन कैसे हैं आप? अच्छे हैं, अच्छे बने रहिए दोस्तों। शोर क्रिकेट प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मैच नंबर 7 की। दोस्तों जबरदस्त लीग चल रही है, पीसीएल 9 जो चल रहा है वो कमाल का चल रहा है और उसके प्रत्येक मैच जैकपॉट उड़ रहे हैं। चाहे आप कोई सा भी मैच देख लीजिए दोस्तों, प्रत्येक मैच जैकपॉट उड़ चल रहे हैं, यानी कि सुपर कमाओ। अगर कोई सी लीग अगर कोई कह सकते हैं तो वो है पाकिस्तान सुपर लीग दोस्तों। कोई भी ये नहीं कह सकता अभी जो ये मैचेस हुए हैं कि ये मैच एक तरफा जीत जाएगी। तो दोस्तों आज के मैच में हम बात करने वाले हैं मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कैलेंडर के बीच। दोस्तों दोनों ही टीम जबरदस्त है। दो बार की पीसीएल ट्रॉफी जीतने वाली लाहौर कैलेंडर और दो बार ही हारने वाली टीम मुल्तान सुल्तान, दोनों की टीमें हमने सामने। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच जब जब मुकाबले होते हैं कमाल के होते हैं। कई बार एक रन से हार जीत का फैसला होता है, पिछले पीसीएल के फाइनल मुकाबले में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को प्रत्येक मैच की फ्री प्रेडिक्शन अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप काम को वॉच कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको पूरा काम पसंद आएगा और फ्री प्रेडिक्शन हमारे द्वारा आपको दी जाती है। तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और प्रत्येक लीग के प्रत्येक मैच का आप फ्री में आनंद लीजिए और अपने आप को धनवान बनाइए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में को बिना स्किप करके आपको पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस मैच में किस पिच की पिच रिपोर्ट ये कहाँ खेला जाएगा, साथ में दो हेड टू हेड मुकाबलों के मामले और कौन सी टीम की क्या वीकनेस है, इसकी प्लेइंग 11, सभी चीज़ों के बारे में हम फुल डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राउंड की कि ये मैच कहाँ होगा। तो दोस्तों मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में यह मैच खेला जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस पिच पर ये मुल्तान का होम ग्राउंड है, परंतु एक बार यहाँ पर लाहौर कैलेंडर एक मैच खेली और वो 170 रन इस मैच में बनाया और वो एक रन से मुल्तान को एक मैच में हरा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो अभी तक देखा जाए कि यहाँ पर लगभग 40,000 के आसपास इस ग्राउंड की कैपेसिटी है कि 40,000 से ज़्यादा लोग इस आनंद एक साथ ले सकते हैं। दोस्तों वही बात करें कि इस पिच पर अभी तक लास्ट पीसीएल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 मैच हुए हैं और 5 मैचों में 4 बार फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम जीती है। वही अगर बात करें कि यहाँ पर एक बार ही चेस हुआ है, वो भी बहुत लो स्कोर था इसलिए चेस हो गया है, वरना चेस नहीं होता है। परंतु इस साल जो मैच हुए हैं दोस्तों, एक मैच खेला गया है उसमें भी काफ़ी अच्छा रन बने हैं और वो डिफेंड हुआ है, यानी कि ज़्यादातर मैच इस ग्राउंड पर टीम है। अगर हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर जो बना है वो 210 रन बना है, वो भी मुल्तान सुल्तान ने ही बना है। और अगर लोवेस्ट स्कोर की अगर बात करें तो यहाँ पर क्वेटा ने 110 रन का लोवेस्ट स्कोर इस ग्राउंड पर बना है। वही अगर सबसे कम रन का अगर हम बात कह सकें, सबसे कम रन यहाँ पर डिफेंड हुआ है तो वो 175 रन का सबसे लोवेस्ट रन है। और खास बात यह है कि दोनों टीमों के बीच ही है, तो दोनों टीम यानी कि लाहौर ने 175 डिफेंड किए थे इस ग्राउंड पर, वो भी मुल्तान सुल्तान को हराया था। तो ये बहुत अच्छा मैच होने वाला है और साथ में यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट स्कोर यानी कि इस पिच में मुकाबला होता है तो ये कह सकते हैं कि 180 से ऊपर रन बनने की पूरे के पूरे चांस। अगर बात करें दोनों ही टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की कि दोनों ही टीमों ने जब जब आमने सामने हुई तो तब तब क्या हुआ है। जब भी बड़े मैच अगर मुल्तान सुल्तान अगर खेलती है लाहौर के सामने तो वो कहीं ना कहीं बराबर की टक्कर रहती है। और लास्ट 10 मुकाबलों की अगर करें तो 5 बार लाहौर जीती और 5 बार ही यहाँ पर मुल्तान सुल्तान जीती है। तो ये तो बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले लाहौर जलंधर कैलेंडर की प्लेइंग 11 के बारे में। तो प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो दोनों ही टीमों की जो प्लेटिंग ऑर्डर है दोस्तों लगभग बराबर है, या कह सकते हैं कि लाहौर कैलेंडर की प्लेइंग 11 बतौर मुल्तान सुल्तान की बैटिंग ऑर्डर थोड़ा मजबूत नजर आता है। क्योंकि वैसे लाहौर कैलेंडर की जो बैटिंग के ज्यादा बॉलिंग का जो मेन होती है, जैसे सैन अफरीदी हो गए, रूफ हो गए और यहाँ पर जमान खान हो गए, परंतु इस बार सबसे गंदी बॉलिंग अगर किसी टीम की नज़र आ रही है तो वो लाहौर कैलेंडर की आ रही। बैटिंग में कोई ख़राबी नहीं है क्योंकि उनके साथ फकार जमान है, उनके साथ ऑलराउंडर के तौर पर एस रज़ा भी है, साथ डूसे भी हैं, रविन डूसे भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, फरहान भी खेल रहे हैं और सद्दीकी भी खेल रहे हैं। तो ये बैटिंग ऑर्डर ठीक ठाक है और अच्छे खासे रन बन रहे हैं दोनों ही मैचों में। यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बैटिंग हुई है दोनों, एक बार 188 और यहाँ पर 195 रन, और एक सफिशेंट होता है डिफेंड करने के लिए। परंतु जो मेरी रीड की हड्डी थी, ये तीनों बॉलर फ्लॉप जा रहे हैं लाहौर की। तो सबसे बड़ी वीकनेस अगर यहाँ पर लाहौर की है तो उसकी बॉलिंग है। बैटिंग ऑर्डर बहुत शानदार है, नो डाउट है कि जो कि सभी खिलाड़ी उनके फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, चाहे आपके पक्का है, परंतु रन बन रहे हैं।
तो ये कह सकते हैं कि लाहौर की अभी सबसे बड़ी वीकनेस अगर यहाँ पर है तो उसकी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 पर। तो प्लेइंग 11 के तौर पर मुल्तान सुल्तान सबसे बड़ी बैलेंस टीम नजर आ रही है दोस्तों, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी बैटिंग ऑर्डर में भी आप मोहम्मद रिजवान का हैंड्रिक्स के बाद अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर उनके साथ डेविड मलान भी बहुत शानदार बैटिंग करते हैं और ये तीनों को काफ़ी मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर को मजबूत करते हैं। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर पर थोड़ा सा नज़र डालें तो यासिर खान है, उनके साथ साथ यहाँ पर इख्तियार अहमद पुराना अनुभव है दोस्तों पर अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। वहीं खुद उनके साथ गुलाउद्दीन शाह यहाँ पर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने पिछले मैच में रन भी बनाए, टीम को एक रीड की हड्डी मजबूत की है। तो ये बेहतरीन बैटिंग ऑर्डर है। वहीं उनके साथ अगर बॉलिंग ऑर्डर के ओर पे तो यहाँ पर बॉलिंग भी बहुत शानदार है, यानी कि 188 रन उन्होंने डिफेंड करके दिया है। तो ये कह सकते हैं अब्बास अली उनके साथ है, अब्बास अफरीदी के साथ साथ मोहम्मद अली है, मोहम्मद नए हैं पर ही है। तो उसके बाद धानी भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। तो ये कह सकते हैं कि लाहौर की बॉलिंग की अपेक्षा यहाँ पर मुल्तान सुल्तान हावी नज़र आता है, क्योंकि लाहौर का जो बॉलिंग ऑर्डर है वो कई दिनों से चाहे इंटरनेशनल मैचेस में है, नाम उनके पास बहुत बड़े हैं, परंतु काम के तौर पर अभी यहाँ पर कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान का दबदबा बॉलिंग की अपेक्षा ज़्यादा है। अगर दोस्तों यहीं पर अगर देखें कि दोनों ही टीमों के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग ये मैच कौन जीत सकता है, तो मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग यही कह सकते हैं कि लाहौर इस बार तीसरी बार हारने जा रहा है और ये मैच कह सकते हैं कि ये मुल्तान के पक्ष में। वही टॉस की प्रेडिक्शन की बात करें तो मुल्तान सुल्तान इस मैच में टॉस जीतने वाला है और ये मैच जो विनिंग करेगा वो पूरी तरह से मुल्तान सुल्तान के पक्ष में ये जाने वाला है। फिर भी दोस्तों अगर हो सकता है, बहुत बार चेंजेस होते हैं, पिच रिपोर्ट करते हैं, तो अगर आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन सेशन टॉस और कब एंट्री लेना है वो सब चीज़ें चाहते हैं तो आप जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। देर न कीजिए।